बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप से जूझने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम आलम और आप लोग देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। ताज़ा खबरों के मुताबिक बिहार में लॉकडाउन को अभी और कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है और इसकी अवधि 1 जून से 2021 तक कर दी गई है। इससे पहले बिहार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ही इस बात का फैसला हो चुका था। बिहार में कोविड 19 के खिलाफ छिड़ी जंग में लॉकडाउन और बढ़ेगा या नहीं, इस सवाल पर विचार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार कई अधिकारियों से संपर्क कर चुके थे। रविवार की शाम तक नीतीश सरकार के फैसले के आने की संभावना थी, जिससे पहले द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज ने आपको बताया था। लॉकडाउन को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने सीएम नीतीश कुमार को फिलहाल लॉकडाउन जारी रखने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ नीतिगत स्तर पर जूझ रहे कई विभागों जैसे आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों से राय मांगी थी और बताया गया है कि इन सभी विभागों ने अपनी राय लॉकडाउन के पक्ष में दी है। गौरतलब है कि बिहार में ग्रामीण इलाकों तक कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का संक्रमण भी फैल चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में रोज मिलने वाले नए केसों की संख्या कम हुई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4000 से करीब नए केस सामने आए, लेकिन एक दिन में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। बिहार सरकार और खुद सीएम नीतीश कुमार लोगों को अब भी सावधानी और सतर्कता बरतने की हिदायत दे रहे हैं। बिहार में जारी लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन मौत के बढ़ रहे आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि सोमवार को बिहार सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि का विस्तार कर सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 4002 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 107 संक्रमितों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण की दर बिहार में रविवार को 3% पर पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 4200 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। एक दिन पहले राज्य में कोरोना संक्रमण दर 3.11% था, जो रविवार को 3.01% हो गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में कोरोना संक्रमित 8111 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 107 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़।